गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग श्रुति, हेलो साक्षी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो वी आर एट नंबर व्हाट एवर चैप्टर लेसन, आई डोंट इवन रिमेम्बर. इतने सेशन ले लिया हमने इसके. ओके, लेक्चर नंबर 9, राइट. सो वी आर लेक्चर नंबर 9. और कौन कौन आ गया? हाय साक्षी, हाय हरिकेश. Ready, good. So today we are studying sex determination in various organisms, different types का, ठीक है? इसके बाद बहुत कम numericals type question आते हैं. Most of them are asked on the basis of just simple mono hybrid cross like process, है ना? है अंकिता? Doubt session अंशिका will be on the app. 8 to 9 app पे ही है, ठीक है? Alright, hello अंकिता. Right, everybody who's new here, I'm Komal Yadav and I'll be taking botany sessions on NEETVOYA channel of An Academy. And let's talk about An Academy subscriptions. Right, so देखो बेटा, normal जैसे classrooms होते हैं वैसे ही classes हैं, live classes हैं. Teacher के साथ अच्छा interaction, ठीक है, better interaction, जो आपका doubt है instantly solve हो रहा है वहाँ पे. फिर कुछ leaderboards हैं, है ना, live polls आते हैं. क्वेश्चन किया क्लास में, उसमें लीडर बोर्ड आया तो आपका टॉप 10 का रिजल्ट और वहीं पर डिटेल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सिंपल है ना? एंड एक बार क्लास में ये सारी चीजें कवर हुई, उसके बाद वी गो इनटू टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस. तो आप टेस्ट देते हो, ठीक है, उससे एनालिसिस निकल के आता है. एनालिसिस कैसा? कि आपका स्कोर विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स हाउ इज इट गोइंग, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको हर पैरामीटर पे, ठीक है. उसके बाद द फाइनल इज डाउट क्लियरिंग, कि एन में जो भी प्रॉब्लम इधर देखी हमने, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, इफ इज एन इश्यू तो उसके डाउट क्लियरिंग सेशंस, और अगर पूरा ही एकदम क्लियर है तो रिविजन सेशंस, ठीक है. दैट्स हाउ वी गो फॉरवर्ड. सो बेस्ट ऑफ योर एजुकेटर्स आर देयर, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टीचर्स के ही हैंड रिटन. एंड वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, डाउनलोड लर्निंग ऐप ऑफ An Academy, जो आप में से काफी बच्चों के पास होगा. प्लस पे जाओ, ठीक है. अगर फिर भी थोड़ा बहुत एक बार डाउट है कि कैसे क्लासेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप स्पेशल क्लास का ऑप्शन है नीचे, यू कैन गो एंड सी दीज पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स एज वेल. हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस किए हुए हैं ऑन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन. मॉलिक्यूलर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड, सिर्फ एक क्लास रह गई है उसकी, तो उसके भी आप पुराने सेशंस देख सकते हो. ऑल दोज यू कैन गो फॉरवर्ड टू, एंड देन प्लस पे जाके यूजी नीट पे जाओ, यूजी नीट से गेट सब्सक्रिप्शन, एंड देन फाइनली दिस ड्यूरेशन. तो जो 12th क्लास में हैं बच्चे, या जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, 2021 का नीट टारगेट करेंगे, वो लोग ले सकते हैं ये वाला कोर्स, दैट इज 12 months, ठीक है. जो 11th क्लास के बच्चे हैं, दे कैन टारगेट नीट 2022, जो टारगेट कर रहे हैं वो 24 months का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है. हेलो हरिनी, हाय अभिनव, हेलो नीदू. ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको कोमल लाइव कोड लगाना है, आपको 10% ऑफ मिलेगा इस पे फाइनल सब्सक्रिप्शन पे. और नेक्स्ट मंथ से जो प्लस के क्लासेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें भी आपका इंटरेक्शन और सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा. ओके, राइट. सो दिस इज हाउ, दिस इज वेयर यू नीड टू फॉलो दिस चैनल फॉर क्विक अपडेट सारे. तो स्पेशल क्लास का भी कोई अपडेट होगा ना, तो वो भी मैं यहीं भेज देती हूँ बेटा. सो योर स्पेशल क्लासेस आर ऑल्सो अपडेटेड ऑन द NEETVOYA चैनल ऑफ टेलीग्राम ऐप. प्लीज डू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप, बहुत हेल्प हो जाता है, ठीक है. थैंक यू. एंड फॉर द नेक्स्ट डे, कल के लिए क्या? गेट सेट गो का सीरीज फॉर 2020 स्टूडेंट्स. और अगर बच्चे आप 11th में हो और आपने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, या इफ यू वांट टू स्टडी, यू कैन गो एंड सी माय सेशंस ऑन यूट्यूब. NEETVOYA आज में भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप स्पेशल क्लास में भी जाके एक बार उसको देख सकते हो, ठीक है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वेरियस क्विजेज, और बड़ा इंटरैक्टिव सा ऐप पे हम इंटरैक्शन शुरू करने वाले. आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस इट आउट, ठीक. ऑलराइट, और संडे को दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो कल 10 बजे हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है.
इसके अलावा आज का तो क्लास हो गया, इफ यू वांट टू सी इन डिटेल ट्रांसलेशन कैसे होता है तो वो आप जाके आज की क्लास दोबारा रिव्यू कर सकते हो. एंड फॉर टुमारो, टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे को फिर से वही 3 o'clock का टाइमिंग रख रही हूँ मैं, 3 बजे का सेशन ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस. अगेन वी विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ पार्ट 5 है ये, तो हम लैक ओपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी विल बी कंप्लीटिंग टुमारो. ठीक है, बढ़िया. ऑलराइट पीपल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शशि बेटा, मैम यू आर डूइंग एनी कोर्स ऑन केवीपीवाई? नॉट येट, बट केवीपीवाई के लिए आई गिव यू जस्ट अ सिंपल हिंट. फॉर केवीपीवाई के एग्जामिनेशन एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, सो रीड एनसीईआरटी एंड सेकेंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके. ठीक है, केवीपीवाई के लिए कोई अलग कोर्स की जरूरत नहीं है आपको. इफ समबडी इज टीचिंग यू, दे विल बी गिविंग यू इनडायरेक्टली ऑन दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स ओनली. ठीक है, तो अगर कुछ केवीपीवाई का ऐसा टेस्ट सीरीज टाइप या कुछ क्वेश्चन है टाइप हम प्लान करते हैं तो दैट आई लेट यू नो, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनीथिंग. टू जस्ट वांट टू गिव यू टू हिंट्स, डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर्स विच आर वेरी इजिली अवेलेबल, उसको डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. ओके, बढ़िया. ऑलराइट, तमन्ना लैक ओपेरॉन टुमारो. तमन्ना टुमारो एट 3 o'clock मॉलिक्यूलर बेसिस अपने एंट्रेंस पढ़ते हैं. बढ़िया जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिकली डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द जायगोट और जेंडर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, 3 मेन पैरामीटर्स पे चलता है ये. एक तो एनवायरमेंट का इफेक्ट आ रहा होगा, नॉन एलोजोमिक एंड एलोजोमिक. एलोजोमिक मीन्स दे हैव सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, प्रॉपर सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसको एलोजोमिक बोलते हैं. नॉन एलोजोमिक वो जिसमें अलग से कोई सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट. ठीक है, जैसे हो सकता है, जैसे आपने प्लांट्स में भी देखा है, जरूरी नहीं है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हो, लेकिन फिर भी एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट होता है. राइट, सो बेसिकली डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, वी विल गो इन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एग्जैक्टली साक्षी, एक्सलेंट. अब एनवायरमेंट का इफेक्ट पहले लेते हैं, फिर नॉन एलोजोमिक पे जाएंगे, फिर एलोजोमिक पे जाएंगे. एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट वाले में हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक दिस क्रोकोडाइल वाला. ठीक है, क्रोकोडाइल का ऐसे याद रखो कि हाई टेम्परेचर पे मेल बनता है एंड द क्रोकोडाइल फीमेल इज वेरी कूल. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लो होगा सो द एग्स, द फर्टिलाइज्ड एग्स मेजरली विल डेवलप इनटू अ फीमेल, बट एट हाई टेम्परेचर द एग्स विल डेवलप इनटू मेल. ठीक है, सो द एग इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ फीमेल बिकॉज द फीमेल इज कूल, क्रोकोडाइल्स फीमेल इज कूल, ऐसे याद कर लेना. ठीक है, दूसरा आएगा टर्टल का. टर्टल्स में उल्टा है. ठीक है, टर्टल्स इज अ लिटिल ऑपोजिट. टर्टल्स के अंदर मेल का फॉर्मेशन इज एट लो टेम्परेचर, फीमेल का डेवलपमेंट एग से इज एट हाइयर टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फीमेल बन जाएगा, एग डेवलप हो जाएगा फीमेल में, और लो होगा तो मेल बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे यूजुअली गो फॉरवर्ड. जैसे अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल इज फॉर्म्ड एट अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, फीमेल इज फॉर्म्ड एट अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस. ऐसे अगर 28 से 33 के बीच का टेम्परेचर है तो हाफ ऑफ द एग्स टर्न इनटू मेल एंड हाफ ऑफ देम टर्न इनटू फीमेल. ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है ऑफ बुनेलिया विरिडिस. बुनेलिया विरिडिस, ना बुनेलिया विरिडिस में उसका प्लांट जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका ना एक बहुत बड़ा सा ऐसे
बहुत बड़ा जैसे छू ये आता है एक्सटेंशन, इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो इट्स अ मराइन वॉर्म, छोटा सा वॉर्म है, ठीक है, एनलीन है, ये फीमेल है, दिस इज द फीमेल प्रेजेंट हियर। पहले हमें ये एनवायरमेंटल लगता था, ये एक्चुअली मोर ऑफ ऑफ अ हॉर्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन है। जैसे क्या होता है, फीमेल जहां प्रेजेंट है ना, जो भी लार्वी इस फीमेल की बॉडी को अटैच्ड या इस फीमेल की बॉडी के पास बनेंगे, वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड द लार्वी विच इज ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम फीमेल डेवलप्स इनटू अ फीमेल। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली पहले हमें एनवायरमेंटल लगता था ये, बट इट इज मोर ऑफ एन हॉर्मोनल। व्हाई वी आर सेइंग सो? क्योंकि जो फीमेल है ना, मदर, वो मदर के पास कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अगर फीमेल हॉर्मोन्स का प्रेजेंस है तो लार्वी चेंज होता है मेल में, ठीक है। अगर फीमेल का हॉर्मोन का प्रेजेंस नहीं है आसपास, केमिकल का प्रेजेंस नहीं है आसपास, तो देन द लार्वी डेवलप्स इनटू अ फीमेल, ठीक है। ऑलराइट, गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग नेचर, कूल। ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड। नॉन एलोसोमिक, नॉन एलोसोमिक हमें मिलता है जिसमें नो सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। सो जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए हमारे पास, ठीक है, देन वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट दो वी डू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एफ प्लाज्मिड। रिमेम्बर, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो वो जो एफ प्लाज्मिड था वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसमें एक या दो कोई जीन है जिसकी वजह से फर्टिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से सेक्स पाइलस बन सकता है, वो सारी चीजें नॉन एलोसोमिक में आ जाती है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट तमन्ना? एक्सेलेंट बेटा। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू एक्स एंड ओ, एलोसोमिक। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें वी हैव सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, द सेपरेट सेक्स क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट, उसके अंदर दो कैटेगरीज बनती है हमारे पास, एक एक्स एक्स वाई और दूसरा जेड वाला, एक्स एक्स वाई वाला कॉम्बिनेशन है और एक जेड डब्ल्यू और जेड जेड वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो आइदर द मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस दो डिफरेंट टाइप के गेमिट्स, या फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट्स। मेल अगर दो अलग तरीके के गेमिट्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं मेल हेट्रो गेमिटी, मेल दो अलग तरीके के गेमिट्स बना रहा है, ठीक है। फीमेल इज इफ इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट्स, इट इज कॉल्ड फीमेल हेट्रो गेमिटी। फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिट्स, ठीक है। एक्स 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 वाई, सबसे आसान एग्जाम्पल ह्यूमंस, ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, ठीक अब दूसरा आता है एक्स 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 ओ, मेल इज एक्स ओ। जीरो हियर डज नॉट मीन अनदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो मान लो अगर एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स बने तो दूसरे में सिर्फ 22 ही होंगे, एक लेस है क्रोमोसोम, समझे मेरी बात? वन क्रोमोसोम इज लेस, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा पीछे हो जाते हैं, हाँ अभी ठीक है आई थिंक। सो द फीमेल, सॉरी मेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गेमीट्स, एक जिसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है और एक जिसमें तो एक कम है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोगेमिटी इज सीन इन ग्रास हॉपर। ठीक
ठीक है, राउंड वर्म्स, ट्रू बग्स, है ना। फिर आता है ZWZZ, जिसमें फीमेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन। यहां पर मेल डिसाइड कर रहा है बिकॉज इट इज द मेल्स गैमीट दैट इज गोइंग टू चेंज द जेंडर। फीमेल तो न्यूट्रल है, सारे गैमीट एक ही जैसे बन रहे हैं, ठीक है। इधर की तरफ अब फीमेल विल डिसाइड, मेल इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल, दोनों गैमीट सारे के सेम बन रहे हैं। उधर फीमेल में जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 इज मेल, फीमेल बिकम जेड डब्ल्यू, दैट मीन्स एक एग में जेड जाएगा, दूसरे में डब्ल्यू जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल चिकन, हेन, ठीक है, बर्ड्स लाइक दिस। दूसरा कॉम्बिनेशन वही जेडो वाला, जैसे जेडो था वैसे एक्सो था, वैसे जेडो हो जाएगा। सो द मेल इज जेड जेड बट फीमेल इज जेडो, तो एक में तो जेड गया, दूसरे में कोई नहीं गया। दिस इज सीन इन बटरफ्लाइज, क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया सबको? बर्ड्स में भी है एक्स एक्स, ये वाला जेडो वाला, और किसमें आएगा? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मॉथ, रेप्टाइल्स में भी आ जाता है ये वाला। रेप्टाइल्स में दिस इज देयर एंड इसमें मॉथ आ जाएंगे, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, दीज आर। कूल, इजी है ये तो, नाम याद रखना है बस। हाँ एग्जैक्टली, गुड साक्षी। सो ह्यूमंस के अंदर कभी कभार ना आपका फाइनल उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ नहीं है, दिस कुड बी आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम टू ड्रॉ। तो उसके लिए आप देखो एक बारी कैसे क्या करना है। सी द मेल एंड द फीमेल इज योर, मेल इज एक्स वाई, दिस इज एक्स एक्स, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा ज्यादा समझने में शायद हो सकता है आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। व्हेन आई से एक्स एंड वाई आई डोंट मीन ओनली दीज क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट, है कि नहीं? बॉडी में सिर्फ एक्स और वाई थोड़ी जाएगा, गेमीट में खाली एक्स और वाई थोड़ी जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अलोंग विद ऑटोजोम्स। सो दिस ए रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ, यू कैन से वन सेट ऑफ ऑटोजोम्स। व्हाट आर ऑटोजोम्स? बाकी के सारे क्रोमोजोम। सो 22 प्लस 22 प्लस एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये जो ए है यहाँ, ये जीन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये पूरा का पूरा एक हैप्लोइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। ऐसे फीमेल के पास भी होगा बाकी के 22 क्रोमोसोम्स, है ना। अच्छा, जब मेल गेमीट बनाता है तो एक गेमीट बनता है हैप्लोइड सेट प्लस एक्स वाला। सो लेट सपोज दिस इज द स्पर्म एंड द सेकेंड टाइप ऑफ स्पर्म इज ए एंड वाई, ऑटोसोम्स विद वाई क्रोमोसोम। फीमेल का देखो एक्स प्लस ए गेमीट एग, यहां भी एक्स प्लस ए, बस एक ही टाइप बनेगा, राइट? इफ दीज टू कंबाइन इट्स अ डॉटर, फीमेल ए ए प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होते हैं अगर, सो इट्स अ मेल। ऑटोजोम का एक सेट मम्मी से, ऑटोजोम का एक सेट पापा से, एक्स क्रोमोजोम मम्मी से, वाई क्रोमोजोम पापा से, ठीक है। सो फीमेल इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग द एक्स क्रोमोसोम, इट इज द मेल गेमीट दैट डिसाइड्स विच पर्टिकुलर जेंडर विल बी डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? हेलो नायक। सो यहाँ पे भी ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, सो इट इज गोइंग टू बी अ फीमेल एंड ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस एक्स वाई गोइंग टू बी अ मेल। सो 50% मेल्स
एंड 50% फीमेल्स. सो इन एवरी प्रेगनेंसी देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 50-50% दैट इट विल बी अ मेल और इट विल बी अ फीमेल. यस साक्षी. सो द पॉइंट हियर इज वेन यू आर ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक तो ये बात आ जाती है वेन ना बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन बोल दिया कि अ कपल हैज थ्री डॉटर्स और अ कपल हैज टू डॉटर्स, व्हाट आर द चांसेस ऑफ देयर थर्ड चाइल्ड टू बी अ सन. अब बच्चों को ऐसा लगता है ये हो गया तो अब ये तो 100% पॉसिबिलिटी है. नहीं, जब हम कोई पनिट स्क्वायर बनाते हैं तो वो पनिट स्क्वायर हर बार उतनी पॉसिबिलिटी दिखाता है. ठीक है, एवरी टाइम देयर इज अ मेटिंग तो उस टाइम पे पूरा का पूरा ये पनिट स्क्वायर दोबारा बनता है. डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो 16 बॉक्स का पनिट स्क्वायर बनाया था ना, हर प्रेगनेंसी में या मतलब आप कह सकते हो हर मेटिंग साइकिल में इन ऑफ अ पी प्लांट वो हर बार बनेगा. ठीक है, डोंट गेट दैट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट, जीनिक बैलेंस थ्योरी. अब आता है ड्रोसोफिला प्रॉब्लम क्रिएट करने हमारे लिए. एक छोटू सा मक्खी है वो और इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. ठीक है, जस्ट अ छोटू ड्रोसोफिला. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. अब आपने मुझे बोला कि मैम पीछे लिख तो दिया इसका एक्स वाई, हो तो गया. बेटा पीयूष, दैट इज डिटरमाइंड बाय अ टेस्ट दैट इज नोन एज बार बॉडी टेस्टिंग, वो भी मैं बताती हूँ, अभी आते हैं उसमें. ठीक है, अच्छा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में थोड़ी सी कहानी अलग चलती है. दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय सी बी ब्रिजेस साइंटिस्ट का नाम. उन्होंने बोला इसके पास सेक्स क्रोमोसोम्स तो हैं, एक्स और वाई है, बट वाई का इम्पोर्टेंस डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर में नहीं है. ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्स वाई क्रोमोसोम इज नॉट इन डिटरमाइनिंग द सेक्स. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है ड्रोसोफिला में? इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ए का रेशियो, एंड ए यू नो इज द सेट ऑफ ऑटोसोम. ठीक है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? फीमेल में ऑटोसोम के दो सेट होंगे, मम्मी से एक आया पापा से एक आया, प्लस एक्स एक्स. रेशियो क्या आएगा? दो एक्स क्रोमोसोम अपॉन दो ऑटोसोम्स के सेट वन. दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला फ्लाई. ओके निधु, परफेक्ट. मेल में क्या होगा? ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस एक्स वाई. तो एक्स कितने आए? एक. अपॉन ऑटोसोम्स कितने आए? दो सेट. तो 0.5, विच इज अ नॉर्मल मेल. तो अगर कुछ भी रेशियो हो, समझ रहे हो, अगर मैं यहां पर देखो कितना मस्त है, ध्यान से देखना. दो दो वाला फीमेल वाला हमने ये कर लिया बॉक्स, दिस इज डन. नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल का ये रहा, डन. ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिर्फ टू और टू नहीं, थ्री थ्री फोर फोर भी होगा तो भी नॉर्मल फीमेल ही बन रही है. कैन यू सी दिस? बस रेशियो मेरा वन आना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हो गया, तीन कैसे आ जाएंगे? कोई गेमिट गड़बड़ बनना चाहिए. एनाफेज के टाइम पे स्प्लिटिंग ही नहीं हुई है, सेंट्रोमियर स्प्लिट ही नहीं हुई एनाफेज टू में.
पूरा का पूरा ऑटोजोम सारे एनिमल. इम्प्रॉपर मियोसिस इज गोइंग टू क्रिएट सच प्रॉब्लम्स. इम्प्रॉपर यू कैन से नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स इज गोइंग टू क्रिएट सच प्रॉब्लम. आई एम गुड हजीरा, हाउ आर यू? ठीक है, तो डजंट मैटर कि सिर्फ टू 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 तो नॉर्मल एक सिचुएशन है, थ्री थ्री भी सही है, फोर फोर भी सही है, नॉर्मल फीमेल ही बनेगी. रेशियो बना रहा है, फीमेल नॉर्मल बनेगी. ठीक है, अब अगला चलते हैं. अगर ये रेशियो वन से ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आर हायर एंड ऑटोसोम्स का नंबर कम है, एक्स ए का रेशियो 1.33 या 1.5 तक चला जाता है, दिस इज नोन एज अ सुपर फीमेल और मेटा फीमेल, ये स्टेराइल होगी. साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत सुंदर बड़े विंग्स बन जाएंगे, साइज ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज बट विल बी स्टेराइल, विल बी स्टेराइल. ये बात हाई फाइव. अब अगर 0.5 से कम हुआ रेशियो, जो कि कैसे हो सकता है कि ऑटोसोम्स का नंबर ज्यादा हो और एक्स का कम हो, एक्स याद रखना न्यूमरेटर में है, एक्स ऊपर है नंबर, तो मेटामेल विच इज अगेन स्टेराइल. रेशियो 0.5 से कम सुपर मेल या मेटामेल, 1 से ज्यादा सुपर फीमेल या मेटा फीमेल. ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? 1 और 0.5 के बीच. 1 और 0.5 के बीच अगर आता है रेशियो, दैट इज ओनली पॉसिबल इन दिस कंडीशन, देन एन इंटरसेक्स इज फॉर्म्ड विच इज ऑल्सो स्टेराइल. दिस इज ऑल्सो स्टेराइल. अब आप बोलो मैम यहां पे तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि वाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो ये देख रहे हो आप, ये कंडीशन नॉर्मल वाई की है, तो मेरे पास नॉर्मल मेल बना. लेकिन मैं यही एक एक्स वाली कंडीशन ये भी ला सकती हूँ. बेटा ध्यान से देखना, कैपिटल ए कैपिटल ए, दिस इज नथिंग बट ऑटोसोम्स प्लस एक्स जीरो. अभी भी तो मेरा रेशियो 1/2 दैट इज 0.5 आएगा. क्या नॉर्मल मेल बनेगा? नहीं. स्टेराइल मेल इज फॉर्म्ड. वाई मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है, मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है, 0.5 का एक्स और ए के बीच का रेशियो ही बना देगा उसको मेल. वाई चाहिए ताकि द स्पर्म हैज इट्स मोटिलिटी. ठीक है, लिख रहा है तुमको, क्लियर एवरीबॉडी? आयशा हेलो, लेट हो गया क्लास में आधा घंटा, योर अभी ज्यादा दिख जाएगा. क्लियर? यस, दिस इज बेटर, राइट? सो मेल में वाई क्रोमोसोम इज नॉट इन ड्रोसोफिला, आई एम टॉकिंग नॉट ह्यूमंस. ह्यूमंस में मत कर देना ये काम, जेनेटिक्स घुमा देते हो क्योंकि तुम लोग अपनी मर्जी से. ठीक है, सो मेल्स में ये चीज नहीं लागू होती, ये सिर्फ ड्रोसोफिला की बात हो रही है यहाँ पे. इट इज द 0.5 रेशियो ऑफ एक्स एंड ए दैट डिसाइड्स इट विल बी अ मेल. द स्टेरिलिटी ऑफ द मेल इज विद द वाई क्रोमोसोम. गुड इवनिंग साकिब. ठीक है बच्चा, एक्सीलेंट, लेट्स गो अहेड. हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बहुत क्यूट है. ठीक है, हमारे पास रहती है एक क्वीन बी, क्वीन बी, हनी बी. तो ये वाला हनी बी में, एंट्स में, सब में चलता है. एंट्स, वास्प्स एंड हनी बी आर एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं राशिता, गुड इवनिंग हो गया बेटा. और तुम 12th की क्लास में, फिर कंफ्यूज होके भाग जाएगी बच्ची. तो अभी बनाते हैं यहाँ पे मस्त बी.
ये है हमारी क्वीन। ठीक है, स्माइलिंग। लेट्स मेक अ द क्वीन बी, बिकॉज द क्वीन बी इज गोइंग टू ले एग्स। ठीक है, इसका क्राउन बना देते हैं। शी इज गोइंग टू ले एग्स। ओके, शी इज प्रोड्यूसिंग एग्स। इसका बॉडी नंबर, ये डिप्लॉयड है 32। तो मियोसिस से शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस एग। ठीक है, तो एग बना वाया मियोसिस, और मियोसिस से एग बना तो कितना हो गया नंबर, आधा। हैप्लोइड, हैप्लोइड इज इक्वल टू कितना, 16। 16, ठीक है। अच्छा, 50-50 पॉसिबिलिटी मॉर्निंग हो सकती है। क्या क्या खा के आए हो भाई, हैं? ये कौन सी, कहाँ की साइंस है? मे बी यू आर इन द रॉन्ग टाइम जोन। कुछ भी बोल देना है दिन में, ठीक है? चले आगे, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे रे, ओहो, बढ़िया। ठीक है, तो एक बना, ये मेल की बात कर लेते हैं। मेल इज कॉल्ड एज ड्रोन, सो मेल इज नोन एज ड्रोन। ड्रोन बेचारा पहले से ही हैप्लोइड है, ठीक है? इसकी मूछें बड़ी होती है, इसकी मूछें, ठीक है? दिस इज ड्रोन अंकल। ड्रोन अंकल इज ऑलरेडी हैप्लोइड। 16, मियोसिस तो ये करा नहीं सकता, तो ये माइटोसिस से गेमीट बनाएगा। ठीक है, ये माइटोसिस से गेमीट बनाएगा। माइटोसिस से गेमीट बनाता है, द स्पर्म्स आर ऑल गोइंग टू बी आइडेंटिकल हैप्लोइड, एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, दीज फर्टिलाइज्ड एग्स, दे विल डेवलप इनटू अ फीमेल। डिप्लॉयड हो गया, 32 हो गया, दिस विल बी अ फीमेल। फीमेल इज नाउ अ क्वीन और नॉट, दैट विल वैरी कि उसको खाने को क्या मिल रहा है। तो जेनेटिक स्टेरिलाइजेशन नहीं है। द क्वीन बी इज अलाउड टू फीड ऑन द रॉयल जेली, तो उसका न्यूट्रिशनली शी इज वेरी फिट, और उसका काम ही सिर्फ एग ले करना है। बाकी सारी फीमेल्स वर्कबीज बन जाते हैं, नेक्टर कलेक्ट करके लाना एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर बाय चांस क्वीन बी मर गई, है ना, इफ शी डाइज, देन आउट ऑफ दोज वर्क अबीज किसी एक को क्वीन भी बनाया जाएगा। शी विल बी अलाउड टू फीड ऑन द रॉयल जेली, और उसको फिर खा के वो फर्टाइल। ठीक है, सो ये कहानी तो फीमेल की हुई, लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया, सो बेसिकली इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, योर क्वीन बी इज लेइंग बोथ टाइप ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड भी और अनफर्टिलाइज्ड भी। अनफर्टिलाइज्ड एग विच इज नाउ हैप्लोइड इज गोइंग टू डेवलप इन टू अ मेल ड्रोन। ठीक है, अब ध्यान दो, इस ड्रोन अंकल का कोई पापा नहीं है, मम्मी है बस। है ना, ड्रोन का कोई पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है, क्योंकि वो तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है।
बट मम्मी जब बनी थी तो फर्टिलाइज्ड एग से बने, तो ग्रैंडफादर है, शी इज 32 क्रोमोसोम कैरिंग, दैट मीन्स शी हैज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम अ मेल डोनर. तो ग्रैंडफादर तो है, नाना जी हैं, लेकिन पापा नहीं है. सो अ ड्रोन हैज अ ग्रैंडफादर नॉट अ फादर. समझ में cool. Easy, easy peasy. Let's go ahead. Gynandra and gynandromorphs. ये बड़े अजीब अतरंगी चीज़ है. Gynandromorph तो ये होता है 50-50% body. 50% female, 50% male. ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? Accidental loss of X chromosome. जब सेल डिवाइड हुआ ना दो में, तो हो सकता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वापस बनते टाइम एन एक्स क्रोमोसोम इज लॉस्ट और गॉट खराब और वॉट एवर मे बी द रीजन. ठीक है, म्यूटेशन की वजह से, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनते टाइम वो बाहर रह गया न्यूक्लियस के, कुछ ऐसी खिचड़ी हुई जिससे कि जाइगोट के बाद जो सेकेंड डिविजन थी उसमें एक सेल में तो एक्स एक्स आ गया, इस वाले के पार्ट में तो ए ए प्लस एक्स एक्स है तो ये तो फीमेल बन गया, और इधर की तरफ ए ए प्लस एक्स ओ हो गया. This chromosome has been lost. So half of the body is going to develop into female, half of the body is going to develop into male. अब हमें कैसे पता male की female? Male is going to be small in size, है ना? और egg laying, ovipositor का भी presence नहीं है इतना. Female वाली side पे होता है. So it's like a vertical distinction between male and female part. ठीक है, horizontal भी होते हैं, but vertical are more common. वर्टिकल आर मोर कॉमन. ठीक है, हाय रमेश. गाइनेंडर ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं मेल और फीमेल के, जैसे मान लो अगर ये आपका बी है, ठीक है, दिस इज योर बी, ठीक है, तो सम पार्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल हैड लाइक यू कैन से येलो बॉडी या रेड आई, तो इधर वाला आंख रेड हो जाएगा, इधर वाला व्हाइट हो जाएगा, कुछ पैच इधर डेवलप हो गया. हाफ ऑफ द विंग इज लाइक मेल एंड हाफ ऑफ द विंग इज लाइक फीमेल, सो सच पैचेज माइट डेवलप. सो बॉडी of female with patches of male or vice versa. Ulta possible. ठीक है, that is also possible. So gynander and gynandromorphs is a very very rare condition. और सिर्फ drosophila में नहीं, drosophila तो बेचारा इतना झेलता है ना कसम से, मतलब कुछ भी कर दो मरेगा नहीं, म्यूटेशन लेके बैठ जाएगा बस खुशी खुशी. सो इट्स वेरी हैप्पी. तो इतने ज्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं हमें इसमें, इतने ज्यादा म्यूटेटर और म्यूटेशंस देखने को मिल जाते हैं जस्ट ऑन द बॉडी आउटसाइड. अमेजिंग, इट्स माइंड बॉगलिंग टाइप सिचुएशन. डोजेज कॉम्पनसेशन, वॉट इज डोजेज कॉम्पनसेशन? दो क्रोमोजोम्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई. वाई की तो ये पार्टी चल रही है कि वो अकेला ही बहुत है. ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर टू सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें वाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इन ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं. ह्यूमन फीमेल्स, आई हैव टू कॉपीज ऑफ एक्स. अब आप देखो, मेल में एक कॉपी है एक्स की, अच्छा खासा जिंदा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. सो मेल, human males with one copy of X are absolutely fine. That means to exist, one copy of X is enough. ठीक है, अब जैसे ही female बनी, X X chromosome बना, साथ आया, जैसे ही ये साथ आया, इसमें से एक X chromosome को बंद कर दिया जाएगा. पर बंद करने का तरीका
इस क्रोमोसोम को कर दिया गया हेटरो क्रोमैटिनाइज्ड। क्या किया, बहुत टाइट से पैक किया और रख दिया जस्ट आफ्टर द जाइगोट इज फॉर्म। अब कौन सा वाला एक्स बंद होता है ये हम नहीं जानते, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन ऑन दिस, वी डोंट नो विच पर्टिकुलर सेक्स और एक्स क्रोमोसोम गो स्विच्ड ऑफ, मेल वाला, पापा वाला या मम्मी वाला, ठीक है। सो वेरी टाइटली पैकिंग हेट्रोक्रोमैटिन बना दिया उसको, रख दिया, मतलब फीमेल्स में भी सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम काम कर रहा है थ्रू आउट। इसको कब तक हेट्रोक्रोमैटिनाइज रखेंगे हम, हमेशा हमेशा के लिए, एक्सेप्ट इट विल बी री और यू कैन से डी हेट्रोक्रोमैटिनाइज्ड व्हेन मियोसिस हैज टू टेक प्लेस। जब मुझे मियोसिस करके एग बनवाना है उस टाइम पे मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगी ताकि जो भी एग बने वो नॉर्मल बने, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम हो वो एक्टिव, ठीक है। तो ये देखा जा रहा था बार बार कि फीमेल्स के जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी आ रही है। अब आप देखो हेट्रोक्रोमैटिनाइज करा दिया तो ये डार्क स्टेन होगा, इसका नाम रख दिया गया बार बॉडी। क्या नाम रख दिया इसका, बार बॉडी। A switched off X chromosome to reduce the dosage of an X. दो कॉपी है मेरे पास, दो चाहिए ही नहीं मुझे, एक को बंद करना है, डोज कम करनी है, एक ही बचे। क्या करना है उसके लिए, हेट्रोक्रोमैटिनाइज करा देना, उसको टाइट से पैक करा के रख देना है। कौन सा हम अभी भी नहीं जानते, क्यों हम ये भी नहीं जानते अभी तक, थोड़ा बहुत इस पर डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है। अरे यार प्रणव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड न्यूक्रोमैटिन, बेटा मैं ना कर दूंगी पिटाई, 11th क्लास का क्वेश्चन, जेनेटिक्स के ऑलमोस्ट लास्ट क्लासेस में। न्यूक्रोमैटिन इज अ क्रोमैटिन दैट इज एक्टिव, तो वो लूजली अरेंज्ड होते हैं इसलिए वो लाइट स्टेन करते हैं, ठीक है, वो बार बार काम आने वाला। हेट्रोक्रोमैटिन काम नहीं आने वाला तो उसको टाइट से पैक करके रख दिया, डार्कली स्टेन रिमेन्स देयर, ठीक है। डार्कली स्टेन होता है और टाइट से पैक होता है क्योंकि काम नहीं आने वाला तो बंद करके रख दिया। इट इज सीन इन फीमेल्स, बार बॉडी किसमें मिलेगा, फीमेल्स में, मेल्स में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उनके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये बार बॉडी का प्रेजेंस हमने यहां भी देखा है, देखो ये आपके न्यूट्रोफिल्स है ना, ये मल्टीपल न्यूक्लियस वाला आरबीसी, उसमें ऐसा दिखता है छोटू सा इधर, तो इसमें इसने शेप जो लिया हुआ है ना वो ड्रमस्टिक जैसा है, ड्रमस्टिक जैसा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ड्रमस्टिक्स भी बोलते हैं, बार बॉडी भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, ऐसे उठपटांग बहुत सारे नाम बोलते हैं उनको, राइट। हाई स्वप्निल, सो दिस इज अबाउट डोजेज कॉम्पेंसेशन दैट स्टॉपिंग वन और एक को स्विच ऑफ करके रख देना। बहुत सारे पैटर्न्स भी इसमें आते हैं, कैट के ऊपर का, कैट पे जो पैटर्न बनता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी इससे चलता है। फिर एक आपका टर्टल्स के ऊपर टर्टल शेल पैटर्न, वो भी एक्स और बार बॉडी बनने पे होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन, ह्यूमंस में अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो कितनी बार बॉडीज होंगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ बार बॉडीज विल बी देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ बार बॉडीज विल बी देयर। टू, गुड, दो को बंद करना पड़ेगा, इसको और इसको बंद कर दिया हमने, सो देयर विल बी
टू, ठीक है। अभी आया कैसे, या एक्स क्रोमोसोम आया कैसे, उड़ के कहां से आया? और अंशिका जीरो क्यों बेटा, दो बार बॉडी ना। एक एक्स को छोड़ के कितनी भी आ जाए, एक एक्स को छोड़ के बाकी जितने होंगे एक्स उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है, हेटरोक्रोमैटिनाइज कर दिया जाएगा। ओके, नाउ देयर आर सम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, दे आर प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, यस, ठीक है, प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, इन्फ्लुएंस्ड है मैक्स। ओ यार मैंने गलत बना दिया, ओयो इसको ना यार ये बटरफ्लाई, ओ यार ये इसका उसको ये करो, सॉरी इसको ना यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड मत करो, लिमिटेड करो, वो जिफ इधर लग गया दूसरे पे लग गया, सॉरी। अब देखो सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिमिटेड ट्रेट के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट तो मतलब वो कैरेक्टर प्रेजेंट तो ऑटोसोम्स पे है, लेकिन एक्सप्रेस किसी एक में ही होता है, एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन ऑफ द सेक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क ग्लैंड इन फीमेल्स है प्रेजेंट मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ लिमिटेड है किस तक, फीमेल को, मेल में नहीं होगा एक्सप्रेशन। दूसरा बियर्ड इन मेल्स, ठीक है। थर्ड ये प्लमेज ऑफ पीकॉक, प्लमेज ऑफ पीकॉक सुंदर सा जो ऐसे बनता है, होते दोनों के पास है ट्रेट्स लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ उसका मेल में है, ठीक है। फोर्थ एंटलर्स, एंटलर्स ऑफ डियर देखे आपने, एंटलर्स जो होते हैं उसके बड़े बड़े सींग, राइट, मेल डियर में होते हैं वो, सिर्फ मेल में है फीमेल में नहीं है, एक्सप्रेशन लिमिटेड टू ओनली मेल, ठीक है। फिर मेल और फीमेल मस्कुलेचर रिस्पेक्टिवली, हैं दोनों के पास लेकिन सिर्फ लिमिटेड एक्सप्रेशन है उसका एक सेक्स में। फिर आते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स ये भी दोनों में प्रेजेंट है, सो द ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स अगेन, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन वन, लेकिन इट इज मोस्टली और फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन वन, फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहां इसके एग्जाम्पल मैं लिख बता रही हूं आपको, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और दूसरा होगा इसमें शॉर्ट इंडेक्स फिंगर, इन मेल्स। देखो ज्यादातर हमने इस कैरेक्टर को देखा मेल में है, बट हर मेल में नहीं होता ना। अगर प्लमेज ऑफ पीकॉक बोलूं मैं, तो कोई भी पीकॉक ऐसा नहीं होगा जिसमें प्लमेज ना हो, है ना, ऐसा कोई पीकॉक नहीं दिखेगा आपको जिसमें प्लमेज ना हो, ऐसा कोई पीकॉक नहीं आपको, एंटलर नहीं दिखेगा, सॉरी डियर नहीं दिखेगा जिसमें मेल में एंटलर्स प्रॉपर ना हो। सो इट इज लिमिटेड टू वन, इट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द अदर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की बात जब आती है तो ये हो जाता है कि इसमें कुछ ऐसे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने मेल पैटर्न बॉल्डनेस मेल्स में देखा है, लेकिन क्या सारे मेल्स में देखा है? नहीं,
वी सी इट मोर फ्रीक्वेंटली इन वन ऑफ द सेक्स. ठीक है, ऐसे मेल्स में क्या होता है, मेल्स में रिंग फिंगर से कंपेयर्ड इंडेक्स फिंगर इज शॉर्टर. मेल्स में इंडेक्स फिंगर छोटा होता है रिंग फिंगर से, सो द रिंग फिंगर इज लॉन्गर. दिस इज मोस्टली सीन इन मेल्स, बट विल ऑल मेल्स हैव दिस? नहीं. ठीक है, सो इन्फ्लुएंस्ड और लिमिटेड में डिफरेंस समझ में आया? यस सर नो? राइट, बढ़िया. नेक्स्ट, होलैंड्रिक ट्रेट्स. ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन, ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम. बस सिंपल, जो सिर्फ मेल में ही दिखेंगे, हमें फीमेल में नहीं दिखते. तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स वाई में प्रेजेंट हैं वो सारे होलैंड्रिक ट्रेट्स कहलाते हैं. जैसे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसको हम TDF बोलते हैं, TDF, एंड इज कंट्रोल्ड बाय SRY जीन. ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें आता है हाइपर ट्राइकोसिस, एक्सेसिव बॉडी हेयर एंड पॉर्क्यूपाइन स्किन, थिक स्किन फॉर्मेशन हो जाता है. सो दीज आर ऑल दैट आर रिलेटेड टू वाई क्रोमोसोम. ये सारे जीन्स वाई क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है, उस पे ही एक्सप्रेस होते हैं. सो बेसिकली दे आर ओनली सीन इन मेल्स. कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट रिलेटेड टू दिस. कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. उई नहीं, ये देखो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है, ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है. मैंने एक्स क्रोमोसोम की बात भी नहीं करी है साक्षी, खिचड़ी ना करो इधर उधर चीजों की. वाई क्रोमोसोम इज नॉट, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट रिलेटेड टू वाई क्रोमोसोम. नो नो नो. ठीक है, इसको रिवाइज करना. मैं बाकी भी म्यूटेशंस एंड एवरीथिंग आई विल स्टार्ट कल की क्लास में देखते. ठीक है, अभी 8 बजे मिलते हैं वापस विद योर डाउट्स, मोस्टली फॉर 11th क्लास. डाउनलोड लर्निंग ऐप ऑफ अन अकेडमी, गो टू प्लस. अगर फिर भी कोई डाउट है कि कैसा पढ़ाओगे मैम, क्या करोगे, तो इधर जाके आप स्पेशल क्लास में देख सकते हो. मॉलिक्यूलर बेसिस करा दिया, फोटोसिंथेसिस करा दिया, रेस्पिरेशन करा दिया, एनाटॉमी करा दिया, जिन जिन चैप्टर्स में डाउट होता है वो सब करा दिया स्पेशल क्लास में. जाके एक बार उसको देखो, यूजी नीट पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब फॉर द कोर्स ऑफ 12 months फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, 24 months फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. ये 2022 को टारगेट कर रहे हैं नीट, और ये 2021 को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, आपको कोड लगाना है कोमल लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शंस. एंड टडा, विल सी यू इन क्लास इन सितंबर. राइट, कल के लिए फोटोसिंथेसिस, टुमारोज क्लास फॉर गेट सेट गो एट 10 AM फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे डिटेल में. क्वेश्चन में डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सॉरी, क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कराऊंगी मैं. ठीक है, अच्छा ये है कल की क्लास. टुमारो, टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे को 3 बजे मिलेंगे लैक ओपेरॉन पढ़ने के लिए. लैक ओपेरॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग. ये सब पढ़ डालेंगे एक ही क्लास में, खलास चैप्टर. राइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब. आई विल गेट दिस PDF अपलोडेड एंड सी यू अगेन एट 8 o'clock टुडे ऑन द ऐप, लर्निंग ऐप ऑफ अन अकेडमी. 10% ऑफ टू गेट योर डिस्काउंट, यूज कोमल लाइव कोड. एंड अभी 8 बजे हम स्पेशल क्लास पे मिल रहे हैं विद ऑल योर डाउट्स, लेट्स गेट देम क्लियर. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.
बाय।